मुझे चाहोगे तुम इतना प्यार करो। सो गाइस ये देख लो कैसे बंदा नदी में गुस्सा बढ़ा है। तो फैमिली कैसे हैं आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत पहले ही हो चुकी है, लोकेशन पर हम पहुंच चुके हैं। तो आज बेसिकली आप समझ चुके होंगे वीडियो देख के कि हम करने वाले हैं कैंपिंग। और किसी चीज़ की आवाज़ है ना, आई थिंक कि कोई जानवर है। सो ये हमारी लोकेशन रहने वाली है, ये है मिडिल ऑफ द रिवर और इधर हम करने वाले हैं कैंप। ये थोड़ा सा सूखा एरिया है और ये मैंने चूज करी थी पिछली बार कि मैं इधर कैंपिंग करूंगा करके। और ये रिवर आप देख सकते हैं, बाकी सामान हमारा इधर पड़ा है। तो फटाफट ये जितने पत्थर है ना बड़े बड़े, इनको सब हटाएंगे, उसके बाद यहाँ पर मस्त करके लगाएंगे अपना टेंट। सो गाइस आज कैंप खुल रहा है हमारा इधर, तो इसको लगाने वाले हैं बढ़िया से। ऑल राइट गाइस, हम पहुंच चुके हैं अपने आसियाने के अंदर, ठीक है। और लोकेशन दिखाऊं, ये देखो भाई, ये देखो, ये कौन है भाई, ये हमारे तारा भाई हमारे साथ आए हुए हैं। ये देखो लोकेशन, ये देखो रिवर, या मज़ेदार। साहब जी कैसा लग रहा है फिर आपको यहाँ पे नदी के बीच में? बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, मज़ा आ रहा है। ये क्या मस्त है एकदम, मतलब यहाँ पर लोकेशन देखी थी हमने, लगा था कि यहाँ पर हमें कैंपिंग करनी चाहिए, तो मज़ा आ रहा। सो गाइस अभी हम नहाने वाले हैं इधर। ओए होए भाई, इधर है गहरा, उधर साइड में, इस साइड में। तो पहले सोच रहे उधर कैसे जाया जाए। तारा भाई को कुदाऊंगा पहले उधर, मैं नहीं कूदने वाला। तारा भाई एक डुबकी तो लगाओ, आ जाओ जल्दी है? जल्दी लगाओ, आ जाओ डुबकी लगा दो एक। देखो रील बनाने के लिए, बस मैं रील बनाने के लिए आ रहा हूँ खाली, बस मुझे तैरना आता ही नहीं, यहाँ साफ तो नहीं होगा कहीं नहीं। वो देखो भाई सामने हमारा आसियाना। सो गाइस ये देख लो कैसे बंदा नदी में गुस्सा बड़ा है, ये देखो। ये देख लो भाई, आओ आओ लंबा आ रहा हूँ। जैसे ही हम नहाने के लिए उस साइड पर गए, इतना तेज तूफान आया ना, हमारा टेंट बिल्कुल ऐसे यहाँ से पूरा यो पलट गया। फिर मैं जल्दीबाजी में आया, देखो मैंने इसको सही करा, पकड़ा, मेरे कपड़े भी उड़ गए थे सारे के सारे। ये देखो टी शर्ट टी शर्ट है, ये देखो बंडी और कच्चे में फिर से जाने लग गया बंदा उधर। कच्चा चेंज करने के लिए, ये देख रहे हो सब पानी पानी हुआ यार। सेट
सो गाइस अभी हम बनाने वाले हैं अपना लंच। लंच में बनाने वाले हैं, मैं अपने लिए ओट्स बनाने वाला हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा सा मेरा परहेज चल रहा है, और अपना बनाएंगे भाई के लिए, तारा भाई के लिए बनाएंगे मैगी। तो दिखाता हूँ, तारा भाई ये बैठे हुए हमारे, पानी भर के लाए अभी इस बोतल पे। आज हम ज़्यादा इक्विपमेंट अपने यूज नहीं कर रहे हैं, साथ दे काफ़ी अच्छा दिख रहा है यार। और पीछे देखो क्या लोकेशन, अच्छा व्यू देख सकते हो गाइस, काफ़ी शानदार पहाड़, पहाड़ों के नीचे पेड़, और पेड़ के नीचे देख सकते हो नदी। ये देखो ये है पहाड़ों के नीचे नदी, ये मस्त। अब बनाते हैं हम अपना खाना। सो ऑल राइट गाइस, फाइनली ओट्स बन के हो चुका है रेडी, ठीक है, और अपना इधर मैगी बन के भी रेडी है, देखिए। सो गाइस यहाँ देखो रील बनाई जा रही है, रील देखो गाइस, ये देखो गाइस, देखना अभी ये देखना, गौर से देखो इस शख्स को, ये देखो गाइस, ये देखो। तो अभी हम करने वाले हैं लंच। लंच में जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अपने लिए ओट्स बना रखा है, इसके बाद मुझे दवा भी खानी है, और तारा भाई के लिए मैगी, ठीक है। और एक बारी ये खूबसूरत नज़ारे देख लो आप लोग, ठीक है, तारा भाई उधर घूम रहे मस्त करके, तो फटाफट मैं लेके आता हूँ खाना। सो ऑल राइट गाइस, अभी हमारा लंच रेडी हो चुका है, मैं ओट्स खा रहा हूँ और तारा भाई खा रहे हैं मैगी। दिखाइए तारा भाई, ये मैगी गाइस, देख सकते हो आप मैगी खा रहे हैं, मैगी देखो, और ये लोकेशन चेक करो। सो क्या खूबसूरत सी लोकेशन है हमारी, मस्त करके बढ़िया करके खाना वाना खाते हैं आप। ये देख सकते हैं आप लोग कितनी प्यारी सी रिवर है, और अपना ये टेंट है, और इधर हम खाना खा रहे हैं। मतलब खूबसूरती है एकदम मस्त, मज़ेदार वाली खूबसूरती है ना, कभी आप लोग भी आओ, फील करो। आप लोग आ सकते हो इधर, कमेंट बॉक्स में पूछ लेना किधर जाना है करके, गाइड कर दूँगा अच्छे से, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता ही है, मज़े से आओ, खाओ, ऐश करो इधर बढ़िया करके। तो गाइस अभी खाना पीना खा के हम बर्तन धो रहे हैं, देख सकते हो अब हमको बर्तन भी धोना पड़ रहा है,
अगर शादी हुई रहती तो अभी बीवी धोती हमारे बर्तन, तो हमको खुद धोना पड़ा। आप समझ सकते हो हमारी फीलिंग ना, ये कड़ू की ज़िंदगी देख सकते हो। पहले खाओ फिर बर्तन धो फिर घूमो, ऐसी कट रही है लड़कों की ज़िंदगी देख सकते हो गाइस। सो फैमिली, बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है तो अभी हमें इसको समेटने में टाइम लगेगा, फिर ये पूरी मैट जो गंदी हो रखी है इसकी धुलाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा हमें टाइम लगेगा। तो फिलहाल इसको फटाफट समेटते हैं, समेटने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। समेटे भाई,